पिता ने हमारे मसले को वहाँ ऐवान में उठा के पूरा चर्चा बसे जी का सर्वे से दिखा नहीं थ्रू लार्ज यूनियन प्रोसीड चल रहा है मचा सबसे शुक्रिया अदा इस चीज को और मैची हाजी साहब ही प्रोजेक्ट यू थी असम देश 64 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था साहब इस मचा दे एक तोहफे के तौर पर आप लोगों का ये काम हम करके देंगे दुनिया को देखा है कि 64 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें सेक्शन होके अब टेंडरिंग पे हुआ है इस दिन अचानक शुक्रिया आ रहा है दोनों मची मैं किसी हाजी ने पहले ही बोला एक मजहबी लेवल का राणा राणा है मजहबी चौकी क्योंचिंग हर किसी का दो लाख मची आगा मेहरी को इतना इज्जत के साथ दिल्ली से करगिल के हर इदारे इदारे में लेके इतना गार्ड था उसे इज्जत नहीं वो रेस्टर नहीं वो क्यों थे वापस इज्जत नहीं वो दिल्ली अकस दिस तक नचा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बाकी न्यूज एम पी साहब के जरिए इंशाल्लाह एम पी साहब हम यंग जून एल टी गंग मची हर मुश्किल का मची जहाँ मुद्दा नहीं का खड़ा सोचते अगर दसन मैंडेट मतम न संग नाराज सो अचा की जबकि अचा उम्मीद जब भी दर सीता नेक्स्ट मैंडेट पर अति एम पी साहब जी जीवन समर्थव से मती आगे लास्ट बार अचा उम्मीद लिहाजा पार्टी हाईकमान का फैसला है मुझे हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं कुछ हमें मतलब मालूम नहीं है क्यों नहीं दिया किस लिए नहीं दिया दोनों चार राम इसलिए एम पी साहब हम गुजारी जिनकी और हमारा लीडर है नुमाइंदा है हम आपका साथ है हमने जो कुछ मतलब बीजेपी में हमें जो उम्मीद था वो सिर्फ आपके ही जरिए हमें ये उम्मीद आदमी हमारा ये काम करेगा जरूर खानी माता यही को उम्मीद देते हैं इंशाल्लाह आप भी हमें आइंदा भी आगे भी हमारा नुमाइंदा करके हमारे इन मसाइल को आगे तक लेके हाई कमान तक लेके ये दो मसला जो है यही जो नेशनल हाईवे ये क्या बोलते हैं पानी का टेलीग्राम रोड परकाची हेडर प्रोजेक्ट ज़्यादा हमारा कोई डिमांड नहीं है हमारा कोई ज्याती ये मतलब मफाद के लिए हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया हम सिर्फ अपने इलाके की तरक्याती के लिए हमने बीजेपी में ज्वाइन किया हम दुनिया को पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितने साल कितनी ईमानदारी से हमने दिए साथ दिया कितने साल हम बैठा अंजुमन साहिबजमान के हमारे जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आया सबसे पहला हमारा ही ये आगाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाउंडर था करगिल में कोई नाम निशान नहीं था नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस वक़्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था शेख नज़ीर जनरल सेक्रेटरी था कोई वजूद नहीं था करगिल में सबसे पहले हमारे इस आगे की साय में बैठ कर हमने पहला झंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे ही ब्लॉक से उठाया था इतना करके उन्होंने हमें इतना बेवफा किया तब जाके हमने ये बीजेपी का पार्टी ज्वाइन किया एक उम्मीद लेके साहब को हमारे यही गुजारिश है आगे भी इससे आगे भी आइंदा भी हमारा आप नुमाइंदगी करके हमारे इस मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे हमें उम्मीद है। अस्सलामु अलैकुम।